हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और ये वीडियो अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 10, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसका मैं लास्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ बचे हुए टाइप्स के और न्यूमेरिकल थे, वो मैं लेकर के आया हूँ। जैसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, बोल रहा है एन इंजन ऑफ मास 250 टन पुल अ ट्रेन ऑफ मास 250 टन ऑन अ लेवल ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाई इंजन इफ ट्रैक्टिव रजिस्टेंस इज 60 न्यूटन पर टन। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, उसके इंजन का मास है 50 टन और बाकी जो बचे हुए ट्रेन के डब्बे हैं उनका मास है 250 टन, और उस ट्रेन का स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और उसका रजिस्टेंस दिया है 60 न्यूटन पर टन। तो इसका पूछ रहा है कि इसके इंजन के द्वारा कितना पावर ट्रांसमिटेड होगा। गिवेन डाटा, गिवन हमें क्या दिया है, मास दिया हमें इंजन का 50 टन और बाकी सब ट्रेन का दिया है मास 250 टन, यानी कि M1 दिया है। M1 मान लेते हैं इंजन का मास, वो दिया है 50 टन, और M2 दिया है 250 टन। तो टोटल मास निकालेंगे, टोटल ट्रेन का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 250, 300 टन। और क्वेश्चन हमें क्या दिया, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस दिया है 60 न्यूटन पर टन। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 60 न्यूटन पर टन, यानी कि एक टन में 60 न्यूटन रेजिस्टेंस लग रहा है, तो 300 टन में कितना रेजिस्टेंस लगेगा, हो जाएगा 60 × 300। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18,000 न्यूटन। और इसका स्पीड कितना दिया है, वो दिया 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 36 × 1000 अपन में 60 × 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड आ गया इतना। इसका हम लोग अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन हो जाएगा ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिया है, वो है 1800 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना दिया है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि यहां पर लिखेंगे सिंस इन 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंजन इज इक्वल टू है 10 मीटर। तो जब इसका वर्क डन निकालेंगे इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 × 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180,000 न्यूटन मीटर। ये हो गया वर्क डन, इतना हो गया आंसर। अगर इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आंसर और ये भी हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रीच द बैट्समैन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इज ड्रिवन स्ट्रेट बैक बाय द बैट्समैन विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज टू 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स ऑफ ब्लो ऑफ द बैट ऑन द बॉल, फाइंड ऑल्सो इम्पल्सिव फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल यूनिट इफ द इम्पैक्ट लास्टेड 1/10 सेकेंड। बोल रहा है कि क्रिकेट का बॉल है जिसका वेट है 200 ग्राम, और वो बैट्समैन तक पहुंच रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। उसके बाद बैट्समैन उसको मार रहा है तो वो जा रहा है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और उसका रिवर्स वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि कितना इम्पल्स लग रहा है बैट पे उस बॉल को मारने में, और उसका फिर हमें निकालना है
इम्पल्सिव फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल यूनिट, 1/10 सेकेंड तक इम्पल्सिव फोर्स निकालना है उस पर कि कितना लग रहा है। निकालते हैं सॉल्यूशन। गिवन गिवन में क्या दिया है, पहले तो हमें बॉल का मास दिया है, वो है 200 ग्राम। मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू, इसको एम से डिनोट करेंगे, एम इज इक्वल टू है 200 ग्राम। इसको केजी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 200/1000। 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, ये आ गया केजी में। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 केजी। और इसका वेलोसिटी कितना दिया है, वो दिया 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, मतलब हेड्समैन के पास पहुंच रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रीचिंग इज इक्वल टू है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे यू से, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा रिवर्स में, वो दिया हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर्स एंड इंक्रीज टू 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स डायरेक्शन है यानी कि भी, और ये एक्सेलरेशन है, तो अगर रिवर्स में होगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, बट इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे अगर रिवर्स है, तो वो है 15 मीटर पर सेकेंड। और हमें टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1/10 सेकेंड, हो जाएगा 1/10 सेकेंड। तो हमें इम्पल्स एब्सोल्यूट यूनिट निकालना है, तो वो निकालते हैं इम्पल्स एब्सोल्यूट यूनिट, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, पी इज इक्वल टू, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, होता है एम इंटू वी माइनस यू। जब मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया था, वहां पर ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है, तो इसमें रख लेंगे। एम इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, वो दिया 1/5, और वी इज इक्वल टू दिया है 15, और यू इज इक्वल टू दिया है 5, तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं सबका, पुट करेंगे तो हो जाएगा पी इज इक्वल टू 1/5 इंटू वी है 15 और यू है माइनस है पर है, तो माइनस और यू है 5, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू आएगा, वो होगा पी इज इक्वल टू -4 न्यूटन सेकेंड। इतना आ गया इम्पल्स एब्सोल्यूट यूनिट। तो ये निगेटिव आया है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिकेट्स रिवर्स डायरेक्शन, अगर निगेटिव है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आया है, यानी कि यहाँ से इम्पल्स लिखेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू है 4 न्यूटन सेकेंड। इतना आ गया एक आंसर। अब हमें ग्रेविटेशनल यूनिट निकालना है, इम्पल्स फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल यूनिट वो कितना आएगा, इम्पल्सिव फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट, इसको हम लोग पी वन से डिनोट करेंगे, वो निकालेंगे, तो पी वन इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू, ये हो जाएगा इम्पल्स यूनिट, और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो यहाँ से जी इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा इम्पल्सिव फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल यूनिट। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी वन इंटू, यहाँ से ये टी डिवाइडेड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा टी, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एम का वैल्यू क्या है 1/5 × -15 − 5, में जी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 9.8। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर टी का वैल्यू क्या है, पी वन इंटू 1/10 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व किए थे तो कितना आया था -4 न्यूटन, यानी कि ये हो जाएगा -4/9.8। यहाँ से P1 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -40/9.8, ये आ जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में भी है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ये भी रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, निगेटिव साइन ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन। तो फाइनल आंसर जब लिखेंगे इम्पल्सिव फोर्स इक्वल टू इस, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.08 kg weight, और ये होगा निगेटिव साइन ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन।
ये हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 9.8 मीटर, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर एंड एट मिडिल ऑफ टावर, टेक मास ऑफ द बॉडी 100 ग्राम। बोल रहा है कि एक टावर है और उसका हाइट दिया है 9.8 मीटर, और उसके ऊपर से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उस बॉडी का हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उस टावर के टॉप पर और मिडिल में और उसके फुट पे कितना होगा, और उस बॉडी का वेट दिया है 100 ग्राम। निकालते हैं सॉल्यूशन। गिवन गिवन हम लोग देखते हैं पहले क्या दिया हमें। पहले दिया है कि ये मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी कि इसको हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा 100/1000 kg, और हाइट ऑफ टावर वो कितना दिया, वो दिया 9.8 मीटर। 9.8 मीटर तो हम लोग क्या पहले एट अ टॉप निकालते हैं, एट टॉप टावर के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पीई कितना होगा। फॉर्मूला मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है एम जी और एच। एम इज इक्वल टू क्वेश्चन में हमें दिया है 100 ग्राम, और जी का वैल्यू ग्रेविटेशन होता है तो इसका 9.8 ले लेंगे, और एच इज इक्वल टू भी दिया है 9.8, तो निकाल लेंगे। एम इज इक्वल टू दिया है 100/1000 इंटू जी है 9.8 इंटू एच भी है 9.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी इज इक्वल टू 9.604 न्यूटन मीटर पी निकल आया। अब इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मास और ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो एट अ टॉप टावर के ऊपर उस बॉडी का वेलोसिटी तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पर वी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। तो एट अ टॉप पे, एट टॉप ऑफ टावर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, वो है 9.604 न्यूटन मीटर। ये आ गया आंसर, एट अ टॉप पे आ गया। अब हम लोग मिडिल पे और बॉटम में निकालते हैं, एट बॉटम। तो जब हम लोग बॉटम में निकालेंगे तो एकदम नीचे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एट अ बॉटम यानी कि हाइट ऑफ बॉटम एच बी टावर का बॉटम पे हाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे उसका हाइट 0 होगा। तो जब हम लोग यहाँ से पी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला होता है एम जी एच, तो एच इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे के ई, तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू कहाँ, बॉटम में निकाल रहे हैं तो वी भी लिख लेंगे, तो यहाँ पर अब वी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा हमें। तो मैंने तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यहाँ पर h इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ टावर, यहाँ पर h इज इक्वल टू है हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2g, का वैल्यू क्या होता है 9.8, और हाइट ऑफ टावर कितना है वो भी है 9.8। यानी यहाँ कैसे यहाँ से भी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा भी इज इक्वल टू 9.8√2 m/s, इतना वेलोसिटी आ गया। तो जब वेलोसिटी आ गया तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी बी स्क्वायर, मास कितना है उस बॉडी का वो है 100/1000 इंटू भी का वैल्यू भी जस्ट निकाला हूँ 9.8√2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 100/1000 इंटू इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ से के ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल 9.604 न्यूटन मीटर।
यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं एट द बॉटम ऑफ टावर की यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9.604 न्यूटन मीटर एंड पी इज इक्वल टू 0। ये आ गया बॉटम का आंसर। अब एक और बचा, वो है मिडिल, एट मिडल बीच में कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अगर मिडिल में हाइट ऑफ टावर निकालेंगे एच एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.8 है टोटल टावर का हाइट और मिडिल में निकाल रहे हैं तो 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4.9 मीटर टावर का हाइट आ गया। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे पी इज इक्वल टू ये होता है एम जी एच, और एच क्या है एच एम है मिडिल में, मास है बॉडी का वो है 100 अपन में 1000 इंटू ग्रेविटी है 9.8 और एच है 4.9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा, पी इज इक्वल टू होगा वो 4.802 न्यूटन मीटर। यहाँ से पी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है मिडल में निकाल यानी कि वी एम, तो वी एम जब निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2g और h, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर रखेंगे तो इसका हाइट ऑफ टावर कितना है वो है 4.9, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू जी, जी यानी कि ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 इंटू एच, एच है 4.9। इसको सॉल्व करेंगे तो वी एम का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये इतना, सिंस के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम है 100 अपन में 1000 इंटू भी है 9.8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से के आ जाएगा वो होगा 4.802 न्यूटन मीटर। यानी कि बोल सकते हैं एट द मिडल ऑफ टावर के इज इक्वल टू 4.802 न्यूटन मीटर एंड पी इज इक्वल टू वो कितना है वो है 4.802, यानी कि ये भी सेम 4.802 न्यूटन मीटर। ये हो गया आंसर, ये था लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि हमें टॉप ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर एंड मिडल ऑफ टावर तीनों पे के और पी निकालना था, वो मैंने निकाल दिया एक एक करके। तो और यहाँ समाप्त होता है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स के एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल आपको बता चुका हूँ, पीछे के सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं पॉलिटेक्निक के में जो फर्स्ट ईयर में आपको मैथ पढ़ाया जाता है उसका मैं लेकर के आऊँगा वीडियो, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं पॉलिटेक्निक में। ज़्यादातर मैथ के वो टॉपिक होते हैं जो आपको 11th या 12th में पढ़ाए जाते हैं, वो कवर करूँगा उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।